A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के दौरान थूकने और कुल्ला कर देने के मामले में प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। अब आरोपियों के घर को तोड़ने के लिए भारी पुलिस टीम को तैनात किया गया है। आपको याद दिला दें, 17 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार था और इस दौरान बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई थी जिसमें कई भक्त शामिल हुए थे। इसी दौरान छत पर खड़े कुछ समुदाय विशेष के 3 युवकों ने भक्तों पर थूक दिया। सवारी समारोह में मौजूद श्रद्धालुओं और ढोल नगाड़े वालों ने घटना के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए। इससे गुस्साए हिंदू संगठनों ने थाने में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ लिया है। दरअसल शहर के टंकी चौराहे के समीप बाबा महाकाल की दूसरी सवारी के दौरान कुछ शरारती तत्व एक बिल्डिंग की छत पर चढ़कर नीचे की ओर थूक रहे थे। जब श्रद्धालुओं ने ऐसा करने से मना किया तो उसके बावजूद भी शरारती तत्व नहीं माने। यह देख चल समारोह में मौजूद कुछ लोगों ने थूकने वालों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी आक्रोशित हो गए। वहीं पूरे मामले में प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया और ढोल नगाड़ों साथ प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची। कार्रवाई से पहले बड़ी संख्या में पुलिस बल इलाके में तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, 3 आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं जिन्होंने भक्तों के ऊपर थूका था। तीनों को अदालत में पेश कर जेल भेजा जाएगा। भक्तों पर थूकने और कुल्ला करने का वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाने और सद्भाव बिगाड़ने समेत 5 धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। SP सचिन शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी निकल रही थी। सवारी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टंकी चौक पहुंची थी। यहां बहुमंजिला भवन पर 3 युवक खड़े हुए थे। सवारी के गुजरने के दौरान युवकों द्वारा नीचे खड़े भक्तों पर थूका गया। इस हरकत को नीचे खड़े कुछ युवकों ने कैमरे में कैद कर लिया था। इस वीडियो में युवक भक्तों पर थूकते और कुल्ला करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने खारा कुआं थाने पर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पिछले दिनों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके खिलाफ विधि सम्मत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की गई। उक्त आरोपियों के बारे में जानकारी नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को दी गई थी। नगर निगम की टीम और रेवेन्यू की टीम द्वारा उनके द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया और आज उसे हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। लगभग 3 आरोपी उसमें प्रकरण दर्ज किया गया था, कितने आरोपियों का मकान आज? हाँ, फिलहाल हमारे पास एक मुख्य आरोपी के अवैध अतिक्रमण की सूचना है, तो आज उसी को हटाया जा रहा है। सर, पुलिस ने आज कुछ नया नवाचार किया था, वो ढोल धमाको और डीजे के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। अवैध अतिक्रमण जब भी हटाए जाते हैं रेवेन्यू द्वारा, तब उसमें मुनादी करवाई जाती है और विधि अनुरूप नियमानुसार उसमें मुनादी करवाई गई, उसके पश्चात ही अतिक्रमण हटाया गया। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय ProSkill Hub। गेट योर ड्रीम जॉब। एड्रेस: ग्राउंड फ्लोर, जॉन टावर, कॉलेज चौराहा, रीवा।